उत्तर बिहार की नदियों में लगातार उफान जारी है। मुजफ्फरपुर में भी गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती में लगातार जल वृद्धि हो रही है। बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी हम मौजूद है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। देख सकते हैं कि लोग अपने अपने घरों को से सारा कीमती सामान निकालकर छतों पर रहने के वो मजबूर हैं। जितने कीमती सामान हैं वो लेकर लोग छतों पर रह रहे हैं, पर लगातार हो रही बारिश इसमें बाधा कहीं ना कहीं डाल रही है। देख सकते हैं आप किस प्रकार लोग आने जाने को मजबूर हैं। जलजमाव वाले क्षेत्रों में यही स्थिति बनी हुई है। नाव की व्यवस्था किसी प्रकार से नहीं की गई है। लोग अपने अपने स्तर से इसी प्रकार के जुगाड़ के नाव से चलने को मजबूर है। और एक प्रकार से देखा जाए, आप ठीक मेरे पीछे दिखाने का अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस प्रकार लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। यह स्थिति है मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की। देख सकते हैं बिजली चालू है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग की मेहरबानी कही जाए या लापरवाही कही जाए, लाइन अभी तक चालू है। मीटर मात्र एकाध फीट ऊपर बचा हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर पानी वहां तक पहुंचेगा तो बिजली किस प्रकार से यहां पे इस पूरे इलाके में कहर बरपा सकती है। लोग एक महीने से ज़्यादा समय से अपने अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं और ये स्थिति है। लोग जुगाड़ के नाव खुद से अपने अपने बनाकर यहाँ से बाजार के लिए निकल रहे हैं, घर नहीं छोड़ रहे हैं। घरों में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है अभी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो सांप और बिच्छू की है। कि और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़े, आपको दिखाते हैं एक परिवार किस प्रकार पलायन कर रहा है। अपने घर से सारा सामान निकाल कर जुगाड़ वाली नाव से वो लोग ऊँचे स्थलों की ओर जा रहे हैं। स्थिति ये है बिहार की। तो बाढ़ को लेकर सरकारी दावे तो बहुत सारे किए गए, हकीकत क्या है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से एनडीटी के लिए मैं संदीप कुमार। जो अथी लगा हुआ है ना, बोला मतलब घर में तो पानी होगा ना? हाँ घर में है, वही चौकी रख करके खाना पीना ये सब उसी पे चौकी पे ही बनता है। और सामान लाने ले जाने के लिए इसी से? बस इसी से आने और ले जाने के लिए। कितना परेशानी हो रहा होगा तब उसमें, मतलब चूंकि सब चीज में पानी है। परेशानी तो अब क्या होता, परेशानी तो बताने लायक है नहीं, आप तो खुद ही देख रहे हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसा बता रहे हैं कि सांप आ रहा है घर में, तो रात में फिर किस प्रकार जाइए? रात में तो नहीं जाते हैं, दिन भर अपना जो भी कुछ बचा हुआ है उसको सुरक्षा के लिए भूमि पे रहते हैं। तो कहाँ रह रहे हैं? हम लोग अभी रोड पर रह रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? चंद्रभूषण महतो। कौन सा मोहल्ला रहा है? कैसे फिर आप रहिएगा? कैसे रहेंगे, जैसे यहाँ का वार्ड पार्षद का मर्जी है वैसे पानी भेल करवा रहे हैं। अभी गए तो यहाँ मोट का सांप था, सांप से बच गए। क्या परेशानी हो रही है? पानी डूब गया पूरा, बर्फ में जितना कपड़ा लता था सब भीज गया। कितना पानी है? घर में मनुष्य पानी है। कैसे रहिएगा? कैसे रहेंगे, रोड पर झोपड़ी बना कर रह रहे हैं।